दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जब उस तंबूर में रोटी पका रही थी तो उन्होंने देखा कि अचानक अंदर से पानी का एक रेला चला। गर्म पानी उबल कर जब तेज़ रफ्तारी से बहने लगा तो उन्होंने आकर हजरत नूह को खबर दी। फौरन ही जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं कि अब आप कश्ती की तैयारी कर लीजिए और खुदा का ये हुक्म है कि हर चीज़ का जोड़ा इस कश्ती में रख लेना और जो ईमान वाले हैं उनको इसमें सवार कर लो, हर एक जिन्स का भी तुम बीज इसमें रख लो। हजरत नूह ने हर मोमिन को बड़े प्यार से बिठाया, सब जानदारों का जोड़ा आपने और हर एक का तुखम, हर अशिया का तुखम उसमें रखा और उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। सभी दुनिया में मोटी धार से बरसात होती थी, जमीनों आसमां से तेज रो पानी हुआ जारी, जमी पर जितने चश्मे थे बहाते थे सभी पानी, नजर आती थी चारों सिमत तुगियानी ही तुगियानी, जमी पर जब बड़ा पानी लगी वो तैरने कश्ती, था ऊपर साएबा जिसने के बारिश से हिफाजत की, हुई गरकाब बस्ती और जब पानी लगा बढ़ने तो फिर तेजी से सब काफिर पहाड़ों पर लगे चढ़ने, थी लंबाई में 100 गज से ज्यादा नूह की कश्ती, लिखा है 400 गज से थी ज्यादा उसकी चौड़ाई, था चौथा एक बेटा नूह का पहुंचा पहाड़ों पर, वो कश्ती पर नहीं बैठा तकब्बुर से हुआ खुद सर, पहाड़ों पर जो पहुंचा पानी तो फिर नूह घबराए, दुआ किया खुदा बेटा मेरा किनान बच जाए, हुआ फरमान हक गुमराह है वो डूब जाने दो, यकी तुम पर नहीं उसका सजा उसको भी पाने दो, पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया 40 गज पानी, बची कश्ती हुए गरकाब सारे जुल्म के बानी, बुतों का नाम ले लेकर सभी का फिर वो चिल्लाए, मगर झूठे खुदा उनके मदद कुछ भी न कर पाए, हुई 40 दिन बरसात जमकर हुक्म से रब के, जमीने भी बहाए इतने दिन तक तेज तर चश्मे, फना वो सब हुए तूफान में जिनके कल्ब काले थे, फना वो सब हुए सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे, सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे, सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे, सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे। इस तरीके से 40 दिन और 40 रात बराबर बारिश होती रही और पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। वो काफिर बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन जब पहाड़ों से पानी उबूर करने लगा और ऊंचा होने लगा तो हजरत नूह का एक बेटा जिसका नाम किनान था वो डूब
टूटने लगा तो हजरत मुंह ने अल्लाह से दुआ की कि मेरा बेटा किनान बच जाए, लेकिन फरमाने हक हुआ कि वो गुमराह है, उसको डूब जाने दो और उसका यकीन तुम पर नहीं है। हजरत पना वो सब हुए तूफान में जिनके कल्ब काले थे, सलामत थे वही कश्ती में जो अल्लाह वाले थे। और आगे क्या हुआ सुनिएगा। रवा थी पानी पे जिस दम वो लोगों से भरी कश्ती, किया पेशाब पाखाना तो गंदी हो गई कश्ती, हुआ इल्हाम पेशानी पे फेरा हाथ हाथी के, तो उसकी नाक से खिंजीर दो एकदम निकल आए, वो दो खिंजीर कश्ती की गिलाजत खा गए सारी, ये देखा तो हुई शैतान को उस वक्त बेजारी, जो उसने हाथ एक खिंजीर की पेशानी पे फेरा, तो उसकी नाक से दो चूहे फौरन हो गए पैदा, वो चूहे दोनों कश्ती में लगे सुराख जब करने, तो की फरियाद अल्लाह पाक से उस दम पैगंबर ने, कहा जिब्रील ने आकर जनाबे नूह से सुन लो, तुम अपने हाथ से पेशानी फौरन शेर की मल दो, मली जब शेर की पेशानी दो बिल्ली हुई पैदा, वो चूहे बिल्लियों ने खा लिए खटका गया सारा, उसी दिन से है बिल्ली चूहे की दुश्मन जहां भर में, के चूहे करते हैं नुकसान हर इंसान के घर में, रही तूफान में कश्ती दो रजब से दस मुहर्रम तक, इसी सूरत से गुजरे छह महीने आठ दिन बेशक, गई सूए हिजाज क्रोज कश्ती काबे तक पहुंची, ये सत्तर तवाफिक दम तो मुल्के शाम में पहुंची, जरर पहुंचा न कश्ती को जरा तूफान के पानी से, पहुंचा न कश्ती को जरा तूफान के पानी से, जरर पहुंचा न कश्ती को जरा तूफान के पानी से, सलामत सब रहे कश्ती में रब की मेहरबानी से, सलामत सब रहे सामईन हजरात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का ये वाक़या आप सुन रहे हैं। जिस वक्त ये कश्ती पानी पर रवा थी, तैर रही थी, तो उसमें लोगों ने पेशाब पाखाना वगैरह भी किया जिससे वो गंदी हो गई। इल्हाम होता है हजरत नूह को कि हाथी की पेशानी पर हाथ फेरिएगा। हजरत नूह ने जैसे ही हाथी की पेशानी यानी माथे पर हाथ फेरा तो उसकी नाक से दो खंजीर पैदा हो गए और वो खंजीर उस कश्ती की सारी गिलाजत यानी गंदगी को खा जाते हैं। शैतान ने जब ये देखा तो उसने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेर दिया और उसकी नाक से दो चूहे पैदा हो गए जो कश्ती को कुतरने लगे, सुराख करने लगे। तो अल्लाह से फरियाद की पैगंबर ने, हजरत जिब्रील ने आकर हजरत नूह को बताया कि तुम अपने हाथ से शेर की पेशानी को मल दो। जब शेर की पेशानी को हजरत नूह ने मला तो परवरदिगार ने दो बिल्लियां पैदा कर दी और वो बिल्लियां उन चूहों को खा गईं। उसी दिन से ये बिल्ली और चूहे की दुश्मनी है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 रजब से 10 मुहर्रम तक उस पानी पर तैरती रही, यानी 6 महीने 8 दिन। और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। खुदा के फजल से वो कश्ती कोहे जूदी पे ठहरी, हवा पश्चिम से आई तो फजा में आ गई खुशकी। हुआ फिर साफ मतला, धूप निकली और घटा पानी, यकायक फिर तो चोटी से पहाड़ों की हटा पानी। बना दी 7 राहें पानी की जिब्रील ने आकर, जमी पर 7 दरिया बन गए आए रवानी पर। गया पानी वो सब दरियाओं में चमकी जमी सारी, जमी पर अब कहीं पानी नहीं बाकी रहा कुछ भी। जनाबे नूह ने भेजा परिंदा कोहे जूदी से, जमी पर अब है पानी या नहीं जाकर खबर लाए। परिंदा मुर्ग चुगने में लगा वापस नहीं पहुंचा, जनाबे नूह ने ये दी दुआ वो उड़ न पाएगा। फिर उसके बाद भेजा एक कबूतर लौट कर आया, लगी थी खुश्क मिट्टी उसके पंजों में तो ये समझा, जमी पर अब नहीं पानी उतर कर नीचे अब जाए। कबूतर को दुआ दी प्यारा होगा सब परिंदों में, उतारा फिर जनाबे नूह ने कश्ती से लोगों को। जो कुछ सामा था लाए वो जमी पर देखो अब क्या हो, जड़े और तुख्म जो भी थे जमी पर आपने बोए। नहीं जड़ मिल सकी अंगूर की बेहद परेशान थे, किया फिर अर्ज खालिक से कहां अंगूर पहुंचा है, किया फिर अर्ज खालिक से कहां अंगूर पहुंचा है, किया फिर अर्ज खालिक से कहां अंगूर पहुंचा है। निदा आई के वो शैतान जालिम ने चुराया है, के बाद जूदी पहाड़ पर हजरत नूह की कश्ती ठहरती है। उसके बाद आसमान साफ होता है, धूप निकलती है और पानी घटने लगता है। जिब्रील अमीन ने आकर 7 राहें बना दी जो दरियाओं की शक्ल में थीं, और सारा पानी वो उन दरियाओं में चला गया। उसके बाद हजरत जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से लोगों को उतारा तो फिर अंगूर की जड़ नहीं मिल सकी। खालिक से अर्ज किया कि यार अब अंगूर कहाँ पहुँचा, निदा आई कि वो शैतान जालिम ने चुरा लिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि मेरे रब ने मुझको बताया है कि तूने अंगूर चुरा लिया है, अंगूर की जड़ जो थी वो तूने चुरा ली है। शैतान ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अंगूर तो दे दूंगा, लेकिन क्या शर्त रखी समाप्त कीजिएगा। कहा ये नूह ने रब ने मेरे मुझको बताया है, अरे शैतान लई अंगूर तूने ही चुराया है। कहा शैतान ने एक शर्त पर अंगूर दे दूंगा,
उसे तुम एक पानी दोगे मैं छह बार सींचूंगा। ये मानी शर्त हजरत ने तो फिर अंगूर वो पाया। उसे बोया तो पहली बार हजरत नूह ने सींचा। उसे शैतान ने एक लोमड़ी के खून से सींचा। दोबारा उसकी जड़ में शेर का फिर खून पहुंचाया। हलाक उसने किया खिंजीर उसका खून भी डाला। शराब अंगूर की जिस दम बनी तो ये असर आया। शराबी पहले मिसले लोमड़ी खामोश रहता है, फिर उसके बाद खसलत शेर की सबको दिखाता है। नशा जब और बढ़ता है तो वो खिंजीर बनता है। बुराई और भलाई क्या है सब कुछ भूल जाता है। हुआ शैतान खुश बोला बड़ा एहसान किया मुझ पर। कहा ये नूह ने एहसान मेरा मुझ पे कर जाहिर। तो बोला बोलई तुमने जो सबको बद्दुआ दे दी। तो सारी नस्ल आदम मर गई दोज़ख में पहुंची है। न देते बद्दुआ तो वो कभी ईमान ले आते। उन्हें फिरदौस मिल जाती जहन्नम में नहीं जाते। ये सुनकर नूह पैगंबर अलम से सौ बरस रोए। कि अपनी बद्दुआ से हमने अपने ही बशर खोए। हजरात, शैतान ने ये शर्त रखी कि अंगूर की जड़ तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार सींचेंगे तो मैं छह बार सींचूंगा। सबसे पहले हजरत नूह ने उस अंगूर को सींचा, उसके बाद शैतान ने जब उसकी सिंचाई शुरू की तो पहली बार लोमड़ी का खून, दूसरी बार उस जड़ में शेर का खून और फिर खिंजीर का खून भी उसमें डाल दिया। और जब उस अंगूर की शराब बनी तो उसका ये असर हुआ कि शराबी पहले मिसले लोमड़ी खामोश रहता है, फिर उसके बाद खसरत शेर की सबको दिखाता है। नशा जब और बढ़ता है तो वो खिंजीर बनता है। बुराई और भलाई क्या है सब कुछ भूल जाता है। शैतान कहने लगा कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। नूह कहने लगे कि कैसे? कहा कि आपने बद्दुआ करके जो आदम की नस्ल को दोज़ख में पहुंचा दिया, अगर ये लोग जिंदा रहते तो कभी ना कभी ईमान ले आते और इनको जन्नत मिल जाती, आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये सुनकर हजरत नूह 100 बरस तक रोए। और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। कहा फिर नूह ने इबलीस से औलाद आदम की, बनेगी किस गुनाह के बदले में ईंधन जहन्नुम की। बताया नूह को इबलीस ने बस चार चीजों से, हसद हिर्स तकब्बुर और बुखल सब काम है गंदे। किया सजदा न आदम को मेरे दिल में हसद आया, इसी बायस इबादत हो गई शैतान कहलाया। तकब्बुर से जनाब आदम
रंग को जो अपने से समझाना, मिला इस बात पर मेरे लिए दोजख का परवाना, जो दाना गेहूं का एक हिर्स से आदम ने था खाया, उसी ने आदम हव्वा को जन्नत से निकलवाया। बखीलों को कहा रब ने के वो बख्शे न जाएंगे, बुराई जिन में चारों होंगी वो दोजख में जाएंगे। हुआ फिर हुक्म खालिक नूह की कश्ती की लकड़ी से, इबादत के लिए जूदी पे एक मस्जिद बना लीजिए। बनाई नूह ने मस्जिद वहीं बस्ती में वो ठहरे, उन्हीं में साम याफस हम तीनों थे पिसर उनके। वहां कुछ रोज रहकर नूह ने रब की इबादत की, जो उनके साथ में मोमिन थे उन सबको हिदायत की। कहा शैतान खुला दुश्मन है उससे हर घड़ी बचना, पनाह लेना खुदा की और उसके कहर से डरना। खुदा को राजी रखने ही में बस अपनी भलाई है, खुदा के कहर ने देखो तबाही क्या मचाई है। खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है, खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है, खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। सामईन हजरात, परवरदिगार आलम का हुक्म होता है हजरत नूह को कि इस कश्ती की लकड़ी से इबादत के लिए जूदी पहाड़ पर एक मस्जिद बना लीजिए। हजरत नूह ने वहाँ एक मस्जिद बनाई, उसमें उनके तीन बेटे साम याफस और हाम ये भी शामिल थे। वहाँ कुछ रोज रहकर आपने रब की इबादत की, उसके बाद जब हजरत नूह की उम्र 950 साल की हुई तो आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए, और फिर जो उनके तीनों बेटे रह गए उनमें साम ने मुल्क अरब में अपना घर जाके बसाया, याफस ने तुर्किस्तान को आबाद किया, और हाम ने आकर हिंदुस्तान में हिंद में अपना ठिकाना बनाया। उन्हीं तीनों की आल औलाद से आबाद है ये दुनिया। ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसी को आबिद हो गया कोई और कोई गैर को पूछने लगा। हमेशा से है शैतान दुश्मने नस्ले आदम का, वही बचता है जो बंदा है मोमिन रब्बे आलम का। सामईन हजरात, हजरते शौक वजीर गंजवी साहब आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट सुनिए। इस कैसेट के बाद हम हजरत पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुनाएंगे जो कुछ दिन के बाद आएगा। उसमें आप हजरते यूनुस पैगंबर का वो वाकया जो मछली का है बड़ी ही खूबसूरत अल्फाज में सुनेंगे, जिसको हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने ही लिखा है। लेकिन इंतज़ार कीजिए उस कैसेट का, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये सुनकर वाकया ऐ दोस्तों इतना समझ जाना, ये दुनिया ख्वाब है शैतान के कहने में मत आना।
करो उसकी इबादत जो खुदा माबूद है सबका, वही हाजत रवा है और वही माबूद है सबका, वही खालिक वही राजिक वही मुश्किल कुशा सबका, के तूफाने हवादिस में वही है ना खुदा सबका, उसी के हाथ में है जिंदगी और मौत बंदों की, वही देता है इज्जत और वही देता है जिल्लत भी, हसद हिरसो तकब्बुर से बुखल से दूर ही रहना, खुदा को जो बुरी मालूम हो वो बात मत कहना, तासुब बुग्ज़ो कीना और अदावत मत रखो दिल में, मोहब्बत और खुलूस अखलाक का जज्बा भरो दिल में, किसी पर बेखता जुल्मो सितम हरगिज नहीं करना, कयामत आने वाली है खुदा के खौफ से डरना, यकीन जानो के जिस दिन मौत का तूफान आएगा, किसी का भी सफीना हो भंवर में डूब जाएगा, दुआए शौक है अल्लाह हम सबको हिदायत दे, दुआए शौक है अल्लाह हम सबको हिदायत दे, दुआए शौक है अल्लाह हम सबको हिदायत दे, गम को दूर कर दे तीनों दुनिया की मसरत दे, मसरत दे, हम को दूर कर दे दीन दुनिया की मसरत दे।